वतन दुश्मन, डायर क्रिमिनल वतन दुश्मन। अच्छा। हाँ, मैंने मान लिया डोडा में, मैंने जब धरने पे बैठा हूँ 5 मिनट, तो ईश्वर मैंने इंद्र वो बिल बना दिया भेजा मोदी को। वीर भगत सिंह चीफ मिनिस्टर हिमाचल इलेक्शन के दौरान लेक्चर दे रहे थे, टीवी पे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि मैं अपने धक्तों का ऑक्सीजन जमा करता स्टोर करता। ये आइडिया वहां से आया मुझे, इसके तो सेब के दरख्त होंगे तो मेरे तो जंगल बनी में लाखों। तो फिर मैंने बिल बनाया है इनका कि 15,000 जो मेरे डोनेशन में है स्कूलों का जो सरकारी दफ्तरों में है, 3 किलो रखा मेरे पास, लेकिन 3 नहीं 5 किलो से कम, 5 किलो के हिसाब से मैंने बिल बना के भेज दिया। 75,000 किलो मैंने लिखा है एंटीनेशनल, बहुत प्यारा है मुझे लफ्ज दो, इनका वैल्यूएशन किया जाए, असेसमेंट किया जाए, एक्सपर्ट से पूछा जाए कि ये दरख्त जो खड़े हैं जड़ें कितनी हैं इनकी धरती के अंदर, ऑक्सीजन कितना है, पद्म के हिसाब से जड़ मूल जो अंदर धरती में है ये इस धरती का सुरक्षा कर रहे हैं। थोड़ा परेशान हो जाता है आदमी इस तरह की जिंदगी देख के, मतलब अभी देखें मैं इस हालत को मानता हूँ कि उसने मुझे, तो अभी भी आप नर्सरी चलाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, फिर भी अभी जैतून की भी बाढ़ बंदी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अभी मैं फिर बैम्बू के कल्टीवेशन शुरू करने वाला हूँ, यहाँ से उठूंगा बैम्बू, मतलब अभी आपको यकीन है कि इसके बाद आप फिर कर पाएंगे? फिर करूंगा, फिर करूंगा। आप प्योर पैरालाइज देखें, यहाँ से ये रोड है, ये सर्कुलर रोड है अंदर, नहीं आप पैरालाइज हैं, उसके बाद आपको यकीन है कि आप फिर से उठ के खड़े होंगे करेंगे? हाँ, उसको है मेरी जरूरत अभी। अच्छा। जिंदा रखा ना, जिंदा रखा, एग्जामेशन दिए ना, एग्जामेशन मिली अभी, ये टाइम पास कर लिया अभी। देखिए, मैं आखिरी बार आपसे मिला था तो तब मुझे याद है कि तब तो आप चलते फिरते घूमते थे, ये कब हुआ? ये हो गया 27 जनवरी को गिरा हूँ मैं कटाई करते करते। अच्छा, दरख्तों की कटाई करते करते। पेड़ों से शिकायत नहीं है, गिरा भी दिया आपको इस तरह से, मतलब बैसाखी पे कर दिया, आप तो शिकायत कर लो इनसे। ये मुमताज खान ने दे दिया मुझे, नहीं इनसे तो शिकायत कर लो, इनकी वजह से गिर भी गए बैसाखी पे आगे पेड़ों की वजह से। इनको तो कहता हूँ मैं, तो बोलता हूँ उनको दे दो, जो मुझे हैंड ओवर कर रहे थे उनको दे दो ना, हे परमात्मा ये संकट ये दिशा ये मेरी पीड़ा उनको दे दो जो मुझे इमिग्रेंट्स को हैंड ओवर कर रहे थे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, परमात्मा ये उनको दे दो ना। खैर आइए चलते देखते कहाँ यहाँ से सड़क अंदर जा रही है, गाड़ी आपकी अंदर जाएगी तो सुपुर्द के आएगी। हम कहानी देखते हैं शुरू कहाँ से, चल हमने बाहर एक तस्वीर देखी, हमने देखा, हम सोचे उस पर बात करते, कहानी शुरू कहाँ से। वतन से वफादारी, वतन के नाम पे जान देना, अपनी जिंदगियों को खाक कर देना। वतन से वफादारी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, वतन से वफादारी जमीन पे भी होती है, वतन से वफादारी पेड़ लगाने से भी होती है, वतन से वफादारी अपनी मिट्टी की इज्जत करने से भी होती है। मैं इसी वतन से वफादारी की बात कर रहा हूं और इसी वतन से वफादारी के सिले के तौर पे मैं आपको एक मिसाल जो है मेरे साथ मौजूद है। पहले हम ठीक केसरी शशि कुमार जी के दरवाजे पे खड़े हैं और केसरी शशि कुमार जी से पहले भी मिल चुका हूं। केसरी शशि कुमार जी जब थे चलते फिरते थे, स्वस्थ थे, आज इनको देख के अफसोस हो रहा है और आंखों में थोड़ा पानी भी आ जाता है कि शशि कुमार जी इस वक्त किस हालात में है, उनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं शशि कुमार जी के दाएं तरफ आप देख सकते हैं, ये इनका बेटा है, ये राजन कुमार जो है, इनकी मौत
2004 में हुई, 20 जुलाई तारीख थी। अब खैर इस मौत की वजह ये शशि जी ही बता पाएंगे, अब शशि जी से समझते हैं। शशि जी सबसे पहले देखें, मैं आपका स्वागत क्या ही करूं, आपने हमको मौका दिया, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस हयात में जिंदगी में जो है आपसे मिल पाए और आप जैसी हस्ती से और आप जैसे बुलंद हौसले वाले इंसान से जो है हम बात कर पा रहे हैं। शशि जी राजन के बारे में बताइए, क्योंकि ये आपके दरवाजे पर है, ये आपके गेट पर है राजन, और राजन की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है राजन की तस्वीर यहाँ पे और क्या कुछ हुआ राजन के साथ, पहले तो ये बताइए शशि। ये पानी जो है यहाँ मुसाफिरों के लिए, गाय के लिए है, जो भी आता जाता है उसके लिए पानी, इसकी मेमोरियल है ये सर्विस इसके नाम से है, मेमोरियल है यहाँ पर। यही पानी ऊपर है, वहाँ पोल जो है जंगली जानवरों के लिए ऊपर भी है, वहाँ पुलिस की वर्दी में है इसका पोल। अच्छा, हाँ, इसने जो कुर्बानी दी है इसको फौज में इस्तेमाल किया, मैंने इसे बुलाया धुलाया, ये लड़का हिट लिस्ट में आ गया, लड़का से हिट लिस्ट में आ गया, हिट लिस्ट को पुलिस ने मेटेरियलाइज किया है, पुलिस मिलिटेंट नेक्सस। मैंने मोदी से मांगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी, ये लड़का कैसे मारा गया, मेरे पास सबूत हैं, साजिश से लड़का मारा गया। लेकिन यहाँ जो खड़ा है ये युग अभिमन्यु, इसी तरह युग अभिमन्यु क्यों है ये लिखा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में मारा गया, इसी तरह मारा गया। मुझे अभिमन्यु को, अर्जुन को ललकारा है अश्विन शर्मा ने महाभारत में, उसको अंगेज रखा, जब तक मुझे अंगेज रखा जेल में, बंदूक की चोरी में फंसाया मुझे पुलिस ने, और मैं जेल में मुझे रखा और बेटे को ले गए कोटी नाले में, एक्शन मेरी क्रिएट कर दी बेटे जी, ये आपका बेटा है, हमने समझा, आप कह रहे हैं कि इस तरह की एक साजिश का शिकार आपका बच्चा हुआ है। साल 2004 में मामला हुआ था, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। खैर इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सी बातें हैं जो शशि जी से करने आए हैं, आपको लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं शशि जी की अपनी दुनिया। केसरी जी कहिए, शशि जी कहिए, कहते हैं कि अपने नाम के शुरू में मैंने केसरी शशि कुमार लगा लिया है, तो केसरी जी की अपनी दुनिया हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं इस दुनिया के अंदर क्या कुछ है। केसरी जी की दुनिया के बारे में हमने बात की, हमने वतन की मोहब्बत की बात की, और वतन से मोहब्बत, जिस तरह से मोहब्बत के कई रंग होते हैं, कहीं मोहब्बत माशूका से होती है, कहीं मोहब्बत माँ से होती है, कहीं मोहब्बत बाप से, बहन से, दोस्त से, धरती से भी, उसी तरह धरती से भी मोहब्बत होती है, और वतन से मोहब्बत जताने के लिए भी बहुत से अलग तरीके होते हैं। कहीं आप उसमें वतन की साइंस टेक्नोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं आप वतन के लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, कभी आप वतन के लिए अपनी जान निशावर कर देते हैं, बहुत सी चीजें हैं वतन के लिए मोहब्बत जताने के लिए। लेकिन वतन के साथ मोहब्बत करने वाले लोग अक्सर अक्सर जो है उनको एक एंटी नेशनल, एक बैड एलिमेंट का जो है वो नाम दिया जाता है। आज ये बैसाखी पे चलते केसरी जी, ये केसरी जी ने बनाया हुआ है इनका एंट्रेंस, और इस तरह का खूबसूरत एंट्रेंस जो है मैं आपको बहुत कम मिलेगा। हालांकि चनाब वैली का इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशनसीब जो है लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं, नेचुरल ब्यूटी हर चीज जो है आपको यहाँ मिलती है, लेकिन केसरी जी ने जिस तरह से इसको निखारा है ये तारीफ के काबिल है। अब केसरी जी इस वक्त बैसाखियों पर है और केसरी जी से इस मोहब्बत की वजह जानेंगे, समझेंगे केसरी जी क्या मोहब्बत और क्या लगाव है इन पेड़ पौधों से, क्या सब है ये जिंदगी का मकसद, और क्या कुछ पाया आपने वो तो दिख रहा है, और क्या इस जो कुछ आपने पाया इससे खुश हैं आप। एजुकेशनल कैरियर में मैं बॉटनी का स्टूडेंट था, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी मैंने बॉटनी में, थ्योरी ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट में दिखाया है, जीवित वही रहेगा, जिंदा वही रहेगा जो ताकतवर होगा, लेकिन आज जीवित वही रहेगा जो पैसे वाला है, वो बैसाखी देगा, वो सफारी देगा, किसी भी बड़े मोटे आदमी को मरवा देगा, दुबला पतला आदमी भी
ताकतवर को मार देगा, आज पैसा काम करता है। मोदी प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश देना चाहता हूं मैं, जो पर्यावरण पर बोलते हैं वो कहीं हरियाणा के किसी किसान का जिक्र करते हैं, कहीं किसी और का जिक्र करते हैं, उनके लिए संदेश ये है कि वो सुधांशु पांडे उनकी गवर्नमेंट में कहीं दिल्ली में हैं, उससे उनसे दरियाफ्त करें। एक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन डोडे में डीसी रहकर गए हैं। सुधांशु पांडे ने 1994 में श्रम रत्न देश का सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए रिकमेंड किया था। फिर यहाँ स्वामीराज शर्मा आए थे कमिश्नर, उन्होंने मुझे भीमसेन का नाम दिया। ये सारा काम भीमसेन जैसा काम है, क्योंकि पहाड़ को तोड़ फोड़ की मैंने नक्शे बदल दिए मैंने। यहाँ अंग्रेज भी आए इटली के, अंग्रेज ने डॉक्टर वेंटावली ने कहा अगर ये जवान इटली में होता, हमारे देश में होता, तो डेफिनेटली ही वुड हैव बीन गवर्नर जनरल ऑफ इटली। तो इंस्पायरेशन मेरी अंग्रेज भी लेकर गए हैं यहाँ से, जैतून नई चीज यहाँ। मैं समझ जाता हूँ कितनी प्लांटेशन कर चुके हैं अभी तक, क्या कुछ लाखों पेड़ नर्सरी ने क्रिएट किए, लाखों। मैं मिल चुका हूँ आपसे पहले भी, लेकिन मैं मुझे अफसोस होता है, मैंने पहले भी इसके कहा कि मैंने जब आपको देखा था तो आप अच्छे स्वस्थ थे। हाँ। आज आपको देख के थोड़ा मुझे अफसोस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे हौसला मिल गया आपको देख के। जब मैंने आपको देखा और आपकी बातें सुनने के बाद तो मेरा हौसला आसमान पे पहुंच गया कि आपने कहा कि अभी मुझे और कुछ भी करना है। तो इस तरह की एनर्जी देख के तो अजीब लगता है, बट अभी तक कितनी क्या कुछ प्लांटेशन आपने की है और उसके बाद फ्यूचर क्या है, आप क्या समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? प्लांटेशन में लगे रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे, बेटे की लड़ाई लड़ेंगे, या अपना इलाज करवाएंगे, क्या कुछ करेंगे इस सब माहौल में? एक बात समझना चाहूंगा, एक बात मोदी से जो सुनी मैंने कि जवानों को बोलते हैं कि तुम जॉब मत मांगो, जॉब देने वाले बनो। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात मुझे बताई उन्होंने, पसंद आई मुझे जी। ये मैंने 50 साल पहले करके दिखा दिया है, जॉब प्रोवाइड करने वाला। ये काम तो किया, इनोवेट तो किया काम सारा अपने लिए, ऑनरेबल लाइफ के लिए। यहाँ जब नर्सरी का काम शुरू किया मैंने, तो पॉलिथीन के बैग में पौधे तैयार करता था मैं। ये सीड देहरादून से पार्सल मंगाता था इसी दरख्त का, और पनीरी डालकर फिर उनको जब 2-3 इंच के हो जाते थे, फिर मैं उन लिफाफों में शिफ्ट करता था प्लांट्स को। 5-6 साल पालना, फिर उनको दान करते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी अफसरों को। तो यही दान मेरे डीसी के दफ्तर में है लगे हुए, डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में। मुझे लगता है 15 लाख के करीब पेड़ तो आपने जो है डोनेट किए हैं प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में और बाकी जगहों पर। ये 15,000 के करीब में है यहाँ डोनेशन आपने। हाँ, इतनी की हुई है 15,000 के करीब। लेकिन जब मुझे लिख दिया, इंटरनेशनल लिख दिया पुलिस के अफसरों ने, जावेद मखदूमी ने, एसएसपी थे डोडा में, ये लिखने से डीआईजी बन गए थे वो। अच्छा। फिर जब लिखा उन्होंने मुजफ्फर शेख जावेद कृषि मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट से लिंक है इसके, इस चिट्ठी पर वो डीआईजी से इंस्पेक्टर जनरल बन गए। मेरे खिलाफ ये लिखने से प्रमोशन लेते रहे अफसर, मेरे साथ क्या गुजरी है, ये रिसर्च का मामला है। देखिए हम जानते हैं समझते हैं, वक्त की कमी भी है। केसरी जी आपके बेटे की जो है जो तस्वीर है, उसके बाद जो आपकी ये कहानी है, उसके बाद जो आपका हौसला है, ये सब बहुत कुछ बयान करता है एक जिंदगी जीने के लिए। आपके किसी को भी एक जो है इंस्पिरेशन बन सकते हैं, एक सरमाया है हमारे मुआशरे का। वही मैं आपको बताना चाहूंगी, केसरी जी अभी रिसेंटली जो एलिमेंट से सफर कर रहे हैं, जो इनकी कंडीशन है, इसके ट्रीटमेंट के भी कुछ इश्यूज हैं। हम एज ए सोसाइटी इनके काम को रिकॉग्नाइज करें, शायद अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं करते हैं, अगर इंतजामिया इनके कामों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो सांस हम ले रहे हैं, जो सांस डोडा के इलाके में लोग आसपास ले रहे हैं, जो बाकी जगहों पे जहां जहां इनके पेड़ पौधे लगाए हुए जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और आज ऑक्सीजन की कीमत हमारी सोसाइटी और हमारा मुआशरा बहुत अच्छी तरह से समझता है। केसरी जी अभी ये तहिया करके बैठे हैं कि इसके बाद भी नर्सरी शुरू करेंगे और भी कुछ चीजें करने की बात कर रहे हैं। वहीं केसरी जी का ये मामला भी है कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो है कुछ मजबूर कर रही हैं, ट्रीटमेंट के लिए इश्यूज आ रहे हैं, शायद फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हो, लेकिन हम एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बींग इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं कि केसरी जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए केसरी शशि कुमार जैसे लोग इस जमीन पे सलामत रहें और लंबी उम्र के साथ रहें और इस तरह से हमारे माशरे के लिए काम करते रहें। इनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हम आप पे छोड़ देते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मैं केसरी जी की हिस्ट्री और बायोग्राफी जो भी है
जो इनकी रही है, जो इनका रिकॉर्ड है, वो भी आपसे जो है उसमें भी आपसे जो है इसके बारे में मुलाकात हम केसरी जी से एक बार फिर करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो केसरी जी का मामला हमने देखा और देख रहे हैं, जो केसरी जी के हालात हैं, इस पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। हम सोसाइटी से एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद केसरी जी को रिकॉग्निशन वो मिलनी चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं।